तो हाय फ्रेंड्स, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एम एच के एस मोबाइल इंजीनियर में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो दोस्तों आज हमारे पास एक जियो का फ़ोन है जो कि चार्जिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है, अगर है तो कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे है। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों का जो है प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो जाए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चार्जिंग में जो है इसमें शॉर्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ एक्चुअल में कहाँ से शॉर्टिंग आ रहा है। ये देखिए, मैं अगर बात करूं इसकी तो ये देख लीजिए, इसमें चार्जिंग लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए कोई भी कुछ भी सिंबल नहीं है, ना ही लाइट बंद हुआ है, और इसमें चार्जिंग का जो है इनपुट में शॉर्टिंग नहीं है, आउटपुट में शॉर्टिंग है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रेस करके बताऊँगा कि एक्चुअली जियो F320 जो ये न्यू फ़ोन आ रहा है, न्यू मॉडल, और इसमें कैसे चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, कैसे अगर शॉर्टिंग हो तो कैसे निकालना हो, अगर शॉर्टिंग कहाँ से है वो भी निकाल के आपको कैसे बनाना है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करके आपको दिखाऊंगा और बिल्कुल इजी ट्रिक से, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहे, वीडियो पे बने रहे, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बने रहो, मैं इसको साइड कर देता हूँ और यहाँ पर और दिखाता हूँ आपको बिल्कुल ट्रेस करके। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ हल्का सा यहाँ पर, तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लेना है। और आपको चेक करना है, ठीक है, इनपुट में वोल्टेज। मैंने चार्जिंग लगा रखा है, आपका इनपुट आपको पता है कि आपका, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ये जो है इनका पूरा प्रिंट डैमेज हो रखा था, मैं सोचा कि प्रिंट ही डैमेज है, इसलिए ये देखिए यूवी ग्लू से सारा कुछ मैंने मास्किंग कर दी और मैं सारा प्रिंट इसका बना चुका हूँ, पांचों प्रिंट, और फिर भी ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। तब जब मैंने ट्रेस किया तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे हमने ट्रेस किया और कहाँ से इसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैंने पहले सबसे पहले आपको कोल्ड हॉट टेस्टिंग करता हूँ इसमें, ठीक है। ये देखिए, जैसे आपको हॉट टेस्टिंग करना है तो उसमें क्या करना होता है, रेड प्रोब को ग्राउंड कर लीजिए या तो किसी भी ग्राउंड कर लीजिए, उल्टा दिखाएगा सिर्फ, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ट्रेसिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आपको वी बस का जो ये पॉइंट है इस पर आपको रखना है। ये देखिए हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है, इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद ये देखिए, ये जो कॉइल है इस साइड भी यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दिख रहा है, इस साइड भी 5 वोल्ट दिख रहा है, इसके साइड जो आपको ये दिख रहा है OVPIC यहाँ पे आपको 5 वोल्ट दिख रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से इन जो हमारा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे आउट पे हम रखते, ये वाला आउट का ट्रैक होता है मेरा, ठीक है। मैं आउट का दिखाता हूँ, मैं इस साइड रखता हूँ, ये देख लीजिए, तो आउट पे कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारा, ठीक है। ये देखिए, ये आउट का ट्रैक है, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, हम इसको निकाल देते हैं। हमारा जो आउटपुट यहाँ भी आता है, ये देख लीजिए, कोई भी आउटपुट यहाँ से कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमें ये पता चल गया, यहाँ से जो है हमने कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग के जरिए यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक मेरा ट्रैक सही होगा। इधर क्या दिक्कत है, हो सकता है इधर ओपन हो गया हो या क्या हुआ है, मैं चलिए आगे आपको बताता हूँ ट्रेस करके। फुल आप वीडियो पे बने रहिए तभी आप लोग ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर पाइएगा। मैंने चार्जिंग निकाल दिया यहाँ से और इसको मैंने बजर मोड पे लेके जा रहा हूँ, बीप मोड पे, और हमें यहाँ करेंगे कोल्ड टेस्टिंग, ठीक है। कोल्ड टेस्टिंग में रेड प्रोब को ग्राउंड करते हैं। अगर कोल्ड टेस्टिंग नहीं करना आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा कोल्ड टेस्टिंग का, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए, कोल्ड टेस्टिंग में सबसे पहले हमें वी बस का जो ये ट्रैक है, ये देखिए वी बस का है, यहाँ पे रीडिंग आ रहा है मेरा
ठीक है। यहाँ पे भी ये देख लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं, यहाँ भी रीडिंग आ रहा है। इस साइड भी बस का जो मतलब रीडिंग है यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे आउट पे ये जो हमारा ट्रैक है, इधर देखिए, इस पे जैसे हमने रखा तो यहाँ पे बीप का आ रहा है सिंबल, ठीक है, बीप आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ईजिली मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। उसके बाद इनपुट का जो ट्रैक है, ये देखिए यहाँ पर आता है। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका फुल स्कीमेटिक डायग्राम चार्जिंग सेक्शन से, बिल्कुल यहाँ से चार्जिंग सेक्शन से, ये ओ वी पी आई सी होते हुए यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है, कैसे इस पे आ जाता है, बैटरी कनेक्टेड वोल्टेज, मैं सारा वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। फुल स्कीमेटिक डायग्राम जैसा कि मैंने F220 में बनाया था, तो अगर वो वीडियो F220 वाला नहीं देखे हैं तो स्कीमेटिक डायग्राम वाला वो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, ये देखिए इस साइड तो बीप आ रहा है जी, मेरा कुछ वायर से दिक्कत लग रहा है हमको, ये देखिए इस साइड भी पा रहा है, इस साइड भी पा रहा है, ये देखिए मतलब इस साइड रीडिंग आ रहा है दूसरे दूसरे कैपेसिटर पे, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है इस पे भी पा रहा है, मतलब इनपुट का लाइन ये चार्जिंग सेक्शन में जो होता है, इनपुट का लाइन यहाँ तक सही है, यहाँ से जो आउटपुट बनता है ओवीपी आईसी का आउटपुट, यहाँ पे जो इन होता है इसके बीच में कोई ना कोई, या तो ये कैपेसिटर या तो दो तीन कैपेसिटर है, या तो ओवीपी आईसी या तो ये कोई ना कोई शॉर्ट है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ट्रेस करेंगे अब, कैसे इसको बिल्कुल इजीली आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये देखिए तो मैं बता दूं फ्रेंड, एक्चुअली इसका जो इनपुट होता है, ये ओ वी पी आई सी का इनपुट आउटपुट, ये देखिए इनपुट तो यहाँ तक हो गया, आउटपुट जो यहाँ से बन रहा है इसमें एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है और एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। या तो एक कैपेसिटर खराब होगा या तो एक कैपेसिटर पैरेलल वाला, अगर ये खराब होता है तो हम पहले तो बाद में इसको निकालेंगे, सबसे फर्स्ट इसको या तो हम इसको निकाल देंगे। हमें ये कैपेसिटर जो है ना थोड़ा गर्म जैसे लग रहा था यहाँ पे पेस्ट के पीला पीला, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी, तो थोड़ा वीडियो पे आप बने रहिए। यहाँ पे वोल्टेज मेरा आ रहा है, मैं यहाँ पे पेस्ट रखूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर हमें यहाँ पे चार्जिंग पे लगाएंगे, हमें ये देखना होगा कि ये हीट कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से मेरा पिघल चुका है, और ये देखिए यहाँ जैसा का तैसे रखा हुआ है, ये देखिए साइड में यहाँ पे पिघल रहा है, बिल्कुल पिघल रहा है। इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर यही हमारा ख़राब है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, और अगर आप पहले मैं बता दें, अगर आप यहाँ से रिमूव करते हैं तो आपको लगाना भी ज़रूरी है, मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से निकाल भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे अगर शॉर्ट करता है तो कैपेसिटर ये वाला ही पावर आईसी को ही डैमेज करेगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमें इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ये देखिए हमने यहाँ से निकाल दिया है, और हम इसको यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ पे अभी बीप आ रहा है, यहाँ की बीप यहाँ से हट चुका है हमारा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मेरा कैपेसिटर, यहाँ मैं साइड पे रख दे रहा हूँ,
ये देखिए मेरा अभी बीप पर ही है, यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए इस साइड भी रीडिंग अब मेरा आ चुका है, यहाँ भी ये देखिए इस साइड भी रीडिंग आ चुका है। इसका मतलब जो मेरा ट्रैक सही हो चुका है बिल्कुल। ये नया शॉर्टिंग निकालने का मैं नया ट्रिक आप लोगों को बताया, ये देख लीजिए यहाँ पे भी रीडिंग। अब हम चार्जिंग लगाते हैं और यहाँ से हम चेक करते हैं कि यहाँ जो है मेरा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये अब ये देखिए ये कुछ एम्पियर यहाँ से लेने लगा, ये देख लीजिए ठीक है, ये देख लीजिए मेरा चार्जिंग का भी यहाँ पे सिंबल आ चुका है बिल्कुल ईजिली, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा चार्जिंग का प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मैं चलिए मैं यहाँ पे वोल्टेज भी आप लोगों को अब चेक करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि नहीं मेरा जो है प्रॉब्लम एक्चुअल सॉल्व हो चुका है। चलिए इसको वोल्टेज रेंज में ले जाते हैं और यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ ही रहा था, ये देखिए फाइव वोल्ट यहाँ भी आ चुका है। अब आउट में चेक करते हैं, यहाँ पे फाइव वोल्ट यहाँ भी आ रहा है आउट में, 5 वोल्ट ये देखिए 5 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब मेरा चार्जिंग सही हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे बिल्कुल, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो इसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।